स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम दी एलिमेंट्स। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट किया था 1.3 एक्सरसाइज का, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, आज उसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड लेट एफ इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी फंक्शन डिफाइंड है स्टूडेंट ए टू बी। ठीक है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 1, 2, 3, बी सेट हमें गिवन है 4, 5, 6, 7। फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, 1, 4, 2, 5, 3, 6। ठीक है, यानी कि फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है ए टू बी, ए टू बी। ए के अंदर है 1, 2, 3, बी के अंदर 4, 5, 6, 7। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, 2 का किसके साथ है, 5 के साथ, 3 का किसके साथ है, 6 के साथ। तो हमें ये बताना है कि सो करके दिखाओ एफ इज 1, 1, 1, 1 के लिए क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी जरूरी होती है। तो हमारे पास ए के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1, 2, 3 थे और बी के अंदर 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। देन वी कैन से दैट गिवन जो रिलेशन है वो क्या बन गया, यहाँ पे जो गिवन फंक्शंस है वो क्या बन गया, यहाँ पे 1, 1 फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए है वो डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो एफ इज 1, 1 फंक्शन, फंक्शन क्या बन गया हमारा 1, 1, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट इमेज मिली है। ठीक है, ये उसकी कंडीशंस होती है 1, 1 फंक्शन की। सेकेंड देखते हैं, ए हमें गिवन है 1, -1, 2, 3, बी हमें गिवन है 1, 4, 9, 16। So that the functions f a to b किस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मेनी वन एंड इन टू फंक्शन। हमने कल अलग अलग टाइप्स पढ़े थे फंक्शंस के, तो यहाँ पे हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि जो गिवन फंक्शंस है वो क्या है, मेनी वन भी है और इन टू फंक्शंस भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर करके फंक्शंस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1। एफ ऑफ -1 क्या आएगा, 1 आएगा। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 4। एफ ऑफ 3 क्या आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा। ठीक है, तो ए सेट हमारा ये है 1, -1, 2, 3। बी सेट हमारा ये है 1, 4, 9, 16। यानी कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। ठीक है, -1 का किसके साथ है, 1 के साथ है। 2 का किसके साथ है, 4 के साथ है। 3 का किसके साथ है, 9 के साथ है। ठीक है, यानी कि ये हमारा गिवन फंक्शंस, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, मेनी वन फंक्शंस, यानी कि 2 की इमेज यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है, मेनी वन फंक्शंस। और इन टू फंक्शंस क्या होता है स्टूडेंट, वाई के अंदर, ये हमारा वाई है, एक्स टू वाई या बी के अंदर क्या, ये कह सकते हैं कि वाई के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसकी प्री इमेज हमें यहाँ पे ए वाले सेट के अंदर ना मिले, देन वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज एन इन टू फंक्शन। तो यहाँ पे 16 एज 16 बिलोंग टू बी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन ए, इसकी कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही, सो गिवन फंक्शन इज इन टू फंक्शन। ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इन टू फंक्शन। और यहाँ से ये क्या है हमारा, मेनी वन फंक्शंस भी हमें नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने एरो डायग्राम से पता लगा लिया कि ये हमारा जो फंक्शंस है, ठीक है, पहले सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करी और यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी कि इनका रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ है, और 3 का किसके साथ है, 9 के साथ है। तो ये हमारा फंक्शंस क्या बन गया, यहाँ से मेनी वन फंक्शंस,
एंड इनटू फंक्शंस के लिए, ये हमारा क्या है, इनटू फंक्शंस में क्या होता है, कोई भी वाई के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है जिसकी कोई भी प्री इमेज किसके अंदर ना मिले हमें, डोमेन एक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, लेट ए इक्वल टू माइनस वन जीरो वन, एफ इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स बिलोंग टू ए, देन सो करना है एफ ए टू ए इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू फंक्शन। इसको हमें प्रूव करना है स्टूडेंट कि ना ही वन वन है और ना ही क्या है ऑन टू है। तो ए हमें क्या गिवन है, माइनस वन जीरो वन, एफ हमें इस तरह से डिफाइंड है एक्स एक्स स्क्वेयर, और एक्स कहां से लेना है, हमें ए से लेना है, ठीक है। तो एफ माइनस वन हम यहां से निकालेंगे तो फंक्शंस क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर यानी कि माइनस वन का स्क्वेयर कितना आ गया वन, एफ ऑफ वन निकालेंगे ये भी क्या आएगा वन का स्क्वेयर वन, एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये क्या आ गया जीरो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे माइनस वन और वन, और इनकी इमेज क्या आ रही है स्टूडेंट, सेम आ रही है। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज यहाँ पे डिस्टिंक्ट ही आती देन वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज ए वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे एज माइनस वन एंड वन आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट नंबर्स बट सेम इमेज, इनकी इमेज क्या आ रही है सेम आ रही है, माइनस वन की भी वन आ रही है और वन की भी क्या आ रही है वन, सो गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट वन वन। अब हम यहाँ पे ऑन टू देखेंगे, ऑन टू के लिए क्या है हमारा, देखो इसके रेंज के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ रही है, रेंज ऑफ एज, रेंज ऑफ एफ, एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ओनली वन और जीरो, और इसकी कोडोमेन क्या थी स्टूडेंट, जहां से हम वैल्यू ले रहे थे एक्स बिलोंग टू ए, कोडोमेन क्या है उसकी, माइनस वन जीरो वन। सो रेंज, यहाँ पे रेंज क्या बन गई इसकी, रेंज किसके इक्वल नहीं आई यहाँ पे हमारी कोडोमेन के, ठीक है। सो गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन यहाँ पे क्या बन गया हमारा, नॉट ऑन टू, हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट, नॉट ऑन टू, वन वन हमें इसको प्रूव करना था कि ना ही वन वन है और ना ही क्या है ऑन टू है। सो गिवन फंक्शन एफ ए टू ए, हमें ए टू ए भी बताना था, इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, यहाँ पे रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगी। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फोर्थ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ आर टू आर ऑन टू, हमें डिटरमाइन करना है कि ये फंक्शंस हमारे ऑन टू होंगे या नहीं होंगे। फर्स्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू, एक्स हमें कहां से लेना है, रियल नंबर से, तो कोई भी रियल नंबर उठाएंगे और फंक्शंस के अंदर हम पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वन ले लिया एक्स की जगह पे, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस में टू इक्वल टू थ्री, माइनस वन भी तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस में टू ये भी कितनी आ गई, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। रियल नंबर में क्या आएंगे, रेशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे, कुछ हम अलग और ले लेते हैं जैसे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो प्लस टू इक्वल टू टू, ठीक है। तो यहां से हमने देखा वन और माइनस वन की सेम इमेज आ रही है, तो अगर इसको हमें वन वन फंक्शंस में यहाँ पे चेक करना होता तो वन और माइनस वन दोनों की इमेज सेम है, तो यहाँ पे ये क्या नहीं होता, नोट वन वन होता। अब यहां से देखेंगे अगर मैंने एफ ऑफ रूट टू ले लिया, रूट टू का स्क्वेयर प्लस में टू कितना आ गया, ये टू प्लस में टू फोर आ गया, ठीक है। एफ ऑफ माइनस रूट टू ले लिया या माइनस रूट थ्री ले लिया, तो माइनस रूट थ्री का स्क्वेयर प्लस में टू यानी कि थ्री प्लस में टू इक्वल टू फाइव। तो अब यहां से देखो हर वैल्यू हमारी क्या आ रही है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, हर हमारी जो वैल्यू है वो सारी की सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन इसकी जो कोडोमेन है हमें फंक्शन डिफाइन करना था आर टू, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है हमारी आर है, कोडोमेन क्या है आर है, और यहां से इसकी रेंज क्या है, एज रेंज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि ओनली पॉजिटिव आ रहे हैं इसके अंदर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो सो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो गिवन फंक्शंस इज, गिवन फंक्शंस इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोडोमेन तो आर है और रेंज के अंदर क्या आ रहे हैं, ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स।
सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट इसी का. एफ एक्स हमें गिवन है वन इफ एक्स इज रेशनल. माइनस वन कब है व्हेन एक्स इज इरेशनल. ठीक है, तो यहां से हम अलग अलग एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और फंक्शंस की वैल्यू देखेंगे. तो यहां पे देखो एक्स की जगह पे मैं रियल वैल्यू वन पुट कर रही हूं, तो एफ ऑफ वन रेशनल है तब इस फंक्शंस की वैल्यू क्या है वन. एफ ऑफ माइनस वन है तब भी इसकी वैल्यू क्या है वन ही रहेगी. अगर इरेशनल नंबर है, ठीक है, अगर क्या है हमारा इरेशनल नंबर, जैसे रूट टू ले लिया मैंने एफ ऑफ रूट टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन. एफ ऑफ रूट फाइव ले लिया, ये भी कितनी आ जाएगी माइनस वन. तो इसके अंदर हमने देखा कि स्टूडेंट जो हमारी रेंज है, रेंज के अंदर ओनली क्या आ रहा है वन और माइनस वन, दो ही एलिमेंट आ रहे हैं ना. या तो वन होगा रेशनल होगा, तो इरेशनल होगा तो क्या आएगा माइनस वन आएगा. लेकिन ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड था हमारा आर टू आर, तो यहां से लिखेंगे कि एज रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. कोडोमेन आर थी हमारी रेंज के अंदर ओनली टू ही एलिमेंट आ रहे हैं. दस गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू. हमें ऑन टू के बारे में इसको क्या करना था, चेक करना था कि हमारा फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा. तो हम एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर सकते हैं. यहां से देख सकते हो स्टूडेंट कि रेंज के अंदर एलिमेंट, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, और कोडोमेन हमारे यहाँ पे क्या है आर. सो रेंज डज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, सो गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू. नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ. सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इज वन वन एंड ऑन टू. हमें इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, वन वन एंड ऑन टू. फंक्शन डिफाइंड है हमारा आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स. तो वन वन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी क्या दिखा देंगे डिस्टिंक्ट, देन वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन. तो यहाँ पे कोई भी एक्स वन एक्स टू लेके चल रहे हैं हम, एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू द आर सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या बन जाएगी टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू. टू से टू कैंसिल आउट, तो एक्स वन किसके इक्वल आ गया एक्स टू के. यानी कि इनकी इमेज भी सेम थी तो एलिमेंट भी क्या है सेम. अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते तो उनकी इमेज भी क्या आती डिस्टिंक्ट, देन वी कैन से दैट एफ इज वन वन फंक्शन. एज एफ इज वन वन फंक्शन. ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि ये स्टूडेंट हमारा क्या होगा ऑन टू फंक्शन के लिए. ऑन टू फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन में कोई भी वाई कोडोमेन आर से लेके चलेंगे, कोडोमेन आर से लेके चलेंगे और उसको हम किसके इक्वल दिखा देंगे वाई के इक्वल दिखा देंगे. एंड फॉर ईच वाई बिलोंग टू कोडोमेन आर देर एग्जिस्ट वन बाई टू वाई सच दैट. जैसे हमारा फंक्शन था स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स था, ठीक है, एफ एक्स को हम क्या लेते हैं वाई इक्वल टू टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन में टू वाई. तो यहां से कोडोमेन हमारी क्या है आर टू आर डिफाइंड है, तो कोडोमेन क्या है आर. तो कोई भी वाई बिलोंग करेंगे फॉर ईच वाई एज belong to codomain R, there exist half y. हर x के लिए मतलब कि R में से लेंगे हम, ठीक है, इसके लिए half y exist करेगा such that f of 1 by 2 y, ये value निकालेंगे. तो functions के अंदर f of 1 by 2 y, तो इसके अंदर put करेंगे तो 1 by 2 into में y, ये cancel out हो गया. यानी कि ये किसके इक्वल आ गया y के आ गया. अगर ये y के इक्वल आ गया fx equal to y, then f is a on to function. functions हमारा क्या बन गया on to function. ये वन वन भी प्रूव कर दिया हमने, ऑन टू भी. एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, एफ एक्स हमें गिवन था टू एक्स, और रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड था, मींस कोडोमेन यहाँ पे क्या है हमारी आर है. तो यहां से सबसे पहले हमने देखा कि दो एलिमेंट की डिफरेंट इमेज लेके चल पड़े एक्स वन और एक्स टू की. तो एलिमेंट भी हमने क्या दिखा दिए, दोनों नंबर भी क्या दिखा दिए इक्वल. यानी कि इक्वल एलिमेंट की जो इमेज, इक्वल इमेज थी उनके इक्वल एलिमेंट दिखा दिए. डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज होती तब भी फंक्शंस क्या हो जाता वन वन. ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स टू एक्स के इक्वल है तो इसको वाई के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि एफ एक्स क्या होता है वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू. तो फॉर ईच वाई बिलोंग टू द
आर, आर क्या है यहाँ पे कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट उसके लिए एक 1/2y एग्जिस्ट करता है सच देट एफ ओ 1/2y, यानी कि फंक्शंस के अंदर 1/2y x की जगह पे पुट किया तो ये किसके इक्वल आ गया, y के, ठीक है, y के इक्वल आ गया, तो मींस यहाँ पे रेंज कोडोमेन इक्वल आ गई, सो गिवन फंक्शंस इज ओन टू। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट इसी का पार्ट हम, एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स टू प्लस में टू, ये जो वन वन और ओन टू दिखाना है, फंक्शंस कहां से कहां तक डिफाइंड है, आर टू आर डिफाइंड है ना, ठीक है, तो यहां से हम फोर वन वन लेट एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग टू आर, तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इमेज लेके इक्वल लेके चल पड़े, एक्स वन का क्यूब प्लस में टू इक्वल टू एक्स टू का क्यूब प्लस में टू, टू से टू कैंसिल आउट, एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, यहां से एक्स वन किसके इक्वल आ गया, एक्स टू के, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एफ इज ए वन वन फंक्शन, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, फंक्शन हमारा क्या है, वन वन फंक्शन। अब ऑन टू देखते हैं स्टूडेंट, हम इसके अंदर कुछ भी पुट करते जाएंगे फंक्शन के अंदर, और इसकी वो क्या है हमारी रेंज क्या आएगी, इसकी रियल नंबर ही आएगी, इसके अंदर पुट करते जाएंगे तो रेंज हमारी क्या आएगी, रियल नंबर, एज रेंज बिलोंग टू रियल नंबर, और कोडोमेन आल्सो रियल नंबर, आर टू आर डिपेंड है, सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो गिवन फंक्शन हमारा क्या बन गया, ऑन टू, एफ इज ए ऑन टू, हेंस एफ इज ए वन वन एंड ए ऑन टू, वन वन भी हमने इसको प्रूव कर दिया और ए ऑन टू भी, क्योंकि इसकी रेंज किसके इक्वल आएगी, कोडोमेन की, कोई भी वैल्यू हम एक्स की जगह पे रियल नंबर में से पुट करते जाएंगे फंक्शंस के अंदर तो वो हमारी रियल नंबर के अंदर ही उसकी रेंज आती जाएगी, तो रेंज भी हमारी रियल नंबर आएगी और कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर है, सो वी कैन से दैट गिवन फंक्शंस इज ऑन टू, और ऊपर हमने इसको वन वन प्रूव कर दिया। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सिक्स, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फर्स्ट है स्टूडेंट एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन डिफाइंड है जेड टू जेड, फर्स्ट पार्ट के अंदर फंक्शन हमारा कहां से कहां तक है स्टूडेंट, इंटीजर टू इंटीजर, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, इंजेक्टिविटी मीन्स वन वन फंक्शन, अदर नेम क्या है इसी का, वन वन, सर्जेक्टिव मीन्स ओन टू फंक्शन, ठीक है, जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जेड से हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं, जैसे एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ मैं, तो वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन, एफ ऑफ माइनस वन भी क्या आ गया, माइनस वन का स्क्वायर वन आ गया, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेज है वो हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, सेम आ गई, सो फंक्शन से यहाँ पे क्या हो गया, नॉट वन वन, एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से है, माइनस वन एंड वन है वो, सेम इमेज, सेम इमेज वन आई है, ठीक है, सो एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या होगा, माइनस वन, माइनस टू माइनस वन जो भी है, माइनस टू बिलोंग टू जेड, तो बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belong to z such that fx equal to x square equal to minus 2. So f is not onto function. ठीक है, ये onto के लिए था कि minus 2 belong to z, z to z defined था, तो उसके लिए कोई भी fx इस तरह से defined नहीं होगा कि f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, माइनस टू, तो ये क्या नहीं होगा हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या हो गया, हेंस f इज नाइदर वन वन, नाइदर वन वन नोर ऑन टू, फर्स्ट वाला पार्ट है z टू z fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, नाइदर वन वन नोर ऑन टू फंक्शन, सेकेंड पार्ट करते हैं f एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अब की बार हमें फंक्शन डिफाइंड है एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो एफ एक्स क्या है स्टूडेंट हमारा, एक्स क्यूब है, तो वन वन के लिए कोई भी एक्स वन एक्स टू लेके चलेंगे, एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, सो एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, यहां से क्या आ गया हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो एफ हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, वन वन फंक्शन, ठीक है, ऑन टू के लिए कोई भी
एन से हम लेके चलेंगे. नाउ टू बिलोंग टू एन देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट. Does not exist. X belong to N such that fx equal to x cube equal to 2. So f is not surjective या not onto, not surjective functions. तो functions हमारे यहाँ पे क्या हो गया? F is one one but not surjective function. Easy था student. थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का. हम क्या गिवन है? जेड टू जेड है. एफ जेड सॉरी एफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है? एक्स क्यूब है. ठीक है. और फंक्शंस डिफाइंड है जेड टू जेड. तो इसमें भी क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि वन का क्यूब करने पे ये क्या आएगा हमारा? जेड में से कोई भी वैल्यू इसके अंदर उठाएंगे हम. ठीक है. एक्स क्यूब फंक्शंस के अंदर पुट करेंगे जेड टू जेड में से कोई भी जेड में से वैल्यू उठाएंगे. जैसे मैंने यहां से कोई भी जेड में से वन माइनस वन टू माइनस टू उठा लिया यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ ओ वन की वैल्यू क्या आएगी हमारी? वन का क्यूब वन. एफ ओ माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन का क्यूब माइनस वन. यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की क्या आई हमारी? डिफरेंट इमेज. एज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज. So f is one one. Functions क्या है हमारा? वन वन है. ऑन टू के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? कोई भी जेड में से कोई भी वैल्यू उठा लेंगे. नाउ टू बिलोंग टू जेड देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू. So f is not surjective. Functions यहाँ पे हमारा क्या नहीं होगा? Onto नहीं होगा, लेकिन वन वन है. ठीक है. तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था स्टूडेंट? ना ही वन वन था और क्या है? क्या था? ना ही onto. सेकेंड केस में फंक्शन हमारा वन वन था बट नॉट सब्जेक्टिव. थर्ड वाले केस में जेड टू जेड फंक्शन डिफाइन था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू. वन वन फंक्शन था बट नॉट सब्जेक्टिव. नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सेवंथ. So that the functions f r2 are defined as fx equal to x square is neither one one nor onto. Functions are defined है r2r. Functions है हमारा fx equal to x square. हमें prove करके दिखाना है student ये functions neither one one nor onto. One one के लिए कोई भी real number में से value उठाएंगे, functions के अंदर put करेंगे. तो यहाँ से minus one और as माइनस वन वन बिलोंग टू द आर. तो एफ ऑफ माइनस वन कितना आएगा? माइनस वन का स्क्वायर वन. एफ ऑफ वन कितना आएगा स्टूडेंट? वन आएगा. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई. एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज सो गिवन फंक्शंस, गिवन फंक्शंस इज नॉट वन वन. ये वन वन नहीं होगा. नाउ माइनस टू बिलोंग टू द आर देन देयर एग्जिस्ट देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट. कोई भी एक्स बिलोंग टू आर नहीं करेगा कोई भी एग्जिस्ट. देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू आर सच दैट कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए? माइनस टू के. सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है इस टाइप का, इसके इक्वल आ जाए. सो एफ इज नॉट ऑन टू या नॉट सब्जेक्टिव. हेंस एफ इज नाइदर वन वन, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू. तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या नहीं होगा स्टूडेंट? ना ही वन वन होगा ना ही ऑन टू होगा. कोई भी हमने रियल नंबर में से वैल्यू उठाई वन और माइनस वन, इनकी दोनों की सेम इमेज आ गई. सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो सेम इमेजेस. बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आए तब वी कैन से दैट गिवन फंक्शंस इज वन वन फंक्शंस. ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा? कोई भी रियल नंबर में से हमने वैल्यू उठाई देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू वैल्यू दे दे. सो एफ इज नॉट ऑन टू. Hence, f is neither one one nor onto. Eighth देखते हैं. Functions are defined है r to r.
मॉडुलस वैल्यू हमें डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स किस तरह से डिफाइंड होता है स्टूडेंट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेस देन जीरो पे ये वैल्यू क्या देता है, माइनस वन देता है। तो अब यहां से देखो ये हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, नाइदर वन वन नोर वन टू, तो रियल नंबर में से वही हम वन और माइनस वन उठाएंगे, ठीक है। तो एफ ओ माइनस वन इसकी इमेज निकालेंगे तो ये भी कितनी आ गई, वन, और एफ ओ वन की इमेज भी क्या आ गई हमारी, वन आ गई। तो यहां से डिफरेंट एलिमेंट है वो सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट है वो सेम इमेज, तो यहां पे फंक्शंस क्या नहीं होगा, वन वन। सो एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी यहाँ पे हम डिफाइंड करेंगे, रियल नंबर में से उठाना है, ऐसे ही हम माइनस टू बिलोंग टू आर कंसीडर कर लेंगे कोई भी वैल्यू यहाँ पे, कि माइनस टू बिलोंग टू द आर रियल नंबर में से, तब ये वैल्यू हमारी क्या दे देगा, कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइंड नहीं होगा कि सच दैट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। कोई भी वैल्यू उठा लेंगे हम यहाँ से रियल नंबर में से ऑन टू के लिए, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंसिडर वन या माइनस वन, जो भी वैल्यू है, माइनस वन बिलोंग टू आर, बट इट इज नोन दैट, हमें ये बात पता है, इट इज नोन दैट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, ये नॉन नेगेटिव आएगा, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस वन। सो एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, हेंस एफ इज नाइदर वन वन, ना ही वन वन है और ना ही ऑन टू, नाइदर वन वन नोर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन हमारा ना ही वन वन होगा ना ही ऑन टू। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, आर टू आर डिफाइंड था एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, मोड एक्स किस तरह से ओपन होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि एक्स वैल्यू देगा, इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये एक्स वैल्यू दे देगा और ये क्या दे देगा, माइनस एक्स, ठीक है, यही आएगा। तो एक्स की जगह पे हमने कोई भी वैल्यू उठा ली रियल नंबर में से, माइनस वन और वन, तो एफ ओ माइनस वन क्या आ जाएगा, प्लस वन, और एफ ओ वन भी क्या आएगा, वन, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसके लिए सॉरी नॉट वन वन, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोई भी कंसीडर करते हैं, वन माइनस वन टू, टू माइनस टू, तो माइनस वन बिलोंग टू आर, बट इट इज नोन दैट एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस वैल्यू लेके चलेंगे, प्लस की नहीं लेंगे स्टूडेंट, मैंने ये बोल दिया ना माइनस वन वन टू माइनस टू, क्योंकि माइनस वन वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे ये एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इसके लिए ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे इनकेस में क्या था, एक्स स्क्वायर था, वो वैल्यू भी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो ये माइनस वन बिलोंग टू द आर, रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू द आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्या आ जाए, माइनस वन, क्योंकि मोड एक्स वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, नॉन नेगेटिव नंबर, सो एफ इज नॉट ऑन टू, और इसके वाले केस में क्या आएगी, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या दे देगा, अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी एक्स स्क्वायर, उसको क्या बने देगा, पॉजिटिव, तो उसके लिए कभी भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या नहीं आ सकता, माइनस टू, सो एफ इज नॉट ऑन टू, हेंस एफ इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज हमने किए हैं इसके एट क्वेश्चन, आई होप आपको ये एट क्वेश्चन क्लियर होंगे, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है इन क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।